स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे ग्रुप बी का एग्ज़ाम 17 सितंबर से होने वाला है, तो उसके लिए मैं आप सबके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन लेकर आया हूं, जिसमें हम बहुत से क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही डिटेल में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स हैं उन सारे पेपर से लिया हूं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि रेलवे कल अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें क्या चेंज किया है कि मैथ जो है वो 25 मार्क्स का होगा, रीजनिंग होगा, उसके बाद करेंट अफेयर्स और आपका जीएस होगा। रीजनिंग 30 नंबर का सिलेबस में दिया है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा न्यूज है। और करेंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करेंट अफेयर्स में रेलवे 20 क्वेश्चंस देगा, करेंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन और जीएस में आपका 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपका 100। टाइम रहेगा 90 मिनट्स, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा ही है, 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट बहुत अच्छा टाइमिंग है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, ऐसा ही वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आऊँगा। ये हमारा वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं, जिस पर डेली का न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में अंग्रेजी राज्य भाषा कब बनी? आपका ऑप्शन है 1362 ईस्वी, 1388 ईस्वी, 1415 ईस्वी और 1520 ईस्वी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि 1362 आपका सही आंसर है। आइए जानते हैं अंग्रेजी, इंग्लैंड में अंग्रेजी राज्य भाषा, अंग्रेजी के बारे में कुछ। ये जो अंग्रेजी है ना, यह एक पश्चिम जर्मेनिक भाषा है जो कि इंग्लैंड में बसने वाले एंग्लो सैक्सन लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी भाषा लाई गई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, कपास के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? 20 से 30 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 10 से 15 डिग्री और 15 से 20 डिग्री। तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा 20 से 30 डिग्री, जो कि सही आंसर है। आइए कपास के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जो कि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि कपास से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। कपास एक नकदी फसल इसको कहा जाता है, जिसे भारत में सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर कपास होगा। कपास का जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कपास के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो कपास के लिए 72 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि कपास जो है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। क्लियर है, इतना सब क्लियर होगा आप सबको। इससे कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, बहुत ही कपास से क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्या क्या क्वेश्चन कर लिए कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 30 डिग्री, वर्षा की आवश्यकता होती है 72 से 100 सेंटीमीटर, और यह नकदी फसल है और इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, और इसके लिए मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, विश्व में प्रतिवर्ष 150 मीट्रिक टन कपास पैदा किया जाता है, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में, देश का, भारत का पूरा 60% कपास जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा आप सबको। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन भी कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं, तो इतना कपास के बारे में एग्जाम में कहीं से भी कपास के बारे में क्वेश्चन आए आप सब इसको बता देंगे। ठीक है, सासी भारत की किस राज्य की जनजाति है? सासी भारत की
किस राज्य की जनजाति है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सासी एक जनजाति है जो कि आपका सही आंसर हुआ राजस्थान की जनजाति है, जो कि भरतपुर जिले में रहती है, राजस्थान के भरतपुर जिले में, ठीक है। और सासी जो है ना हिंदी भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? हिंदी भाषा बोलती है। उड़ीसा की जनजाति आप लोगों को बता दूं, जुआंग, खारिया, भुईया, ये सब उड़ीसा की जनजाति है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि उड़ीसा की जनजाति कौन कौन सी है, तो आपका ऑप्शन में जो भी रहेगा वो आप ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो आपका सही आंसर होगा गुजरात। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात की संबंधित है। ऑप्शन में है गुजरात, लेकिन अगर कुछ ऑप्शन में गुजरात नहीं रहे तो क्या कीजिएगा? तो नर्मदा नहर के बारे में आइए कुछ जानते हैं, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त योजना है। कभी कभी एग्जाम में राजस्थान नहीं रहे, गुजरात रहे, तो गुजरात टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा आप सबको। महासागरों में सूर्य की किरणें अधिकतम कितने मीटर की गहराई तक जा सकती है? बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महासागरों में सूर्य की किरणें अधिकतम कितने मीटर की गहराई तक जा सकती है? 160, 170, 180, 183। आपका सही आंसर होगा 183। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड या अल्माथिया? अल्माथिया। तो इसका सही आंसर होगा गैनीमेड। बृहस्पति ग्रह से बहुत से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसके बारे में आइए कुछ जानते हैं। सूर्य से बृहस्पति ग्रह सूर्य से पांचवा तथा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप बृहस्पति बोलेंगे, ठीक है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन, यह बृहस्पति ग्रह जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है, जिसमें 8-12% हीलियम की मात्रा पाई जाती है तथा 89-92% हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। कम से कम इसके अगर उपग्रह की बात किया जाए कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो कम से कम इसके 79 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति जो है वो 77,80,00,000 किलोमीटर की औसत दूरी से सूर्य की परिक्रमा करती है, आप अनुमान लगा सकते हैं, तथा हर एक चक्कर 11.86 वर्ष में लगाता है। तो बृहस्पति ग्रह से कितना क्वेश्चन उठा यहाँ पे, आप सब याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहस्पति ग्रह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। आई होप इतना क्लियर होगा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तुएं कौन उत्पादित करता है? तो आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु। भारत में चमड़े की वस्तु सर्वाधिक तमिलनाडु उत्पादित करता है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन, उत्तर प्रदेश गेहूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित करता है। नेक्स्ट, ताजिकिस्तान की राजधानी है आशखाबाद, ताशकंद, दुशानवे या अस्ताना? तो आपका सही आंसर होगा दुशानवे, ताजिकिस्तान की राजधानी है। भारत में फल उद्यानों का शहर किसे कहा जाता है? भारत में फल उद्यानों का शहर जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, सिक्किम को या उत्तर प्रदेश को? आपका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, जिस जो कि भारत में सबसे ज़्यादा फल उद्यानों का शहर हिमाचल प्रदेश को ही कहा जाता है, ठीक है। गरम मसाला भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? मेघालय, सिक्किम, केरल या कर्नाटक? आपका सही आंसर है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा गरम मसाला का उत्पादन किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में एक जरूर आ जाते हैं। नॉर्मन आगे नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग किस क्रांति से संबंधित है? पीली क्रांति,
श्वेत क्रांति, हरित क्रांति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा हरित क्रांति। आइए जानते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग है क्या आखिर में। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है, अमेरिका के एक कृषि विज्ञानी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, जिन्हें हरित क्रांति का पिता भी माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1970 में इनके बारे में कुछ कहानियाँ जानते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है। 1970 में मैक्सिको में एक बीमारी थी जिसमें इन्होंने गेहूं की उपज की थी, बीमारी से लड़ने वाले गेहूं की उपज की थी। इनका मानना ये था कि फसल जितनी ही छोटी होगी, ठीक है, फसल जितनी ही छोटी होगी उसके उसमें जो उसके बीज में जो प्रोटीन होंगे, जो प्रोटीन या फिर जो भी विटामिन आएंगे उसमें ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इतना आई होप इतना क्लियर होगा आप सबको। चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्के करने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी कि रक्त अगर कहीं पर कट जाए या कहीं पर चोट लग जाए तो वो उसे थक्का जमाने में मदद करता है, जिससे कि और रक्त बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो विटामिन आपका ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन डी या विटामिन के। आपका सही आंसर होगा विटामिन के। सब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है आप सब कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करके ज़रूर बताइएगा। विटामिन बी, विटामिन बी वन या विटामिन बी टू, विटामिन बी वन या विटामिन बी इसे विटामिन बी भी बोल सकते हैं, विटामिन B2, विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन से भी आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है, तो आप विटामिन डी इसको याद रखिएगा। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है, और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे विटामिन का सारे विटामिन को याद करने का एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी, ठीक है, रथ एक टॉफी। ये हो गया विटामिन ए, ये हो गया B, C, D, ये हो गया E और ये हो गया K, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1964 में, 1967 में या 1975 में? तो आपका सही आंसर होगा 1964 में। धनुकबाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है वो खाली जगह का लक्षण है? तो आपका आंसर होगा प्लेग, टेटनस, हैजा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा टेटनस। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है, इससे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? आपका सही आंसर है 1986, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था? आपका ऑप्शन है तीसरा, चतुर्थ, पंचम या छठा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पंचम। पंचम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसमें सिर्फ पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा कि पंचवर्षीय योजना क्या है उसके बारे में, और उसको याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कितने कितने साल तक मतलब कि चला था, फिर बीच में गैप उसमें आता है, बीच में गैप क्यों आया, उसको याद करने का मैं उसमें तरीका भी बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा नहीं तो, रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक के कारण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।